स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? ए जेरेमी कॉर्बिन, बी कीर स्टार्मर, सी बोरिस जॉनसन, डी ऋषि सुनक। आंसर बी कीर स्टार्मर। एक्सप्लेनेशन, ब्रिटेन में शुक्रवार 5 जुलाई को सत्ता बदल गई। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई। इसके कुछ घंटे बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टार्मर देश के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। पार्टी ने कुल 650 सीटों में से 412 पर जीत दर्ज की है। उधर कंजर्वेटिव 120 सीटों पर सिमट गई। ये कंजर्वेटिव पार्टी की पिछले 200 सालों में सबसे बड़ी हार है। अगला प्रश्न, 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? ए रघुबर दास, बी चंपई सोरेन, सीसीपी राधाकृष्णन, डी हेमंत सोरेन। आंसर डी हेमंत सोरेन। एक्सप्लेनेशन, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्य की राजधानी रांची में स्थित राजभवन में एक समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 जून 2024 को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी, जिसके बाद उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चुना गया। अगला प्रश्न, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? ए 92 दिन, बी 178 दिन, सी 365 दिन, डी 730 दिन। आंसर बी 178 दिन। एक्सप्लेनेशन, आदित्य L1 मिशन एक भारतीय सौर वेधशाला है जो लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर स्थित है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक शामिल की? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान, डी जर्मनी। आंसर सी जापान। एक्सप्लेनेशन, 3 जुलाई 2024 को जापान ने 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नए बैंकनोट जारी करना शुरू किया। नए बैंकनोटों में जालसाजी से निपटने के लिए त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक की सुविधा है, जो किसी भी देश की मुद्रा पर इस तरह का पहला उपयोग है। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? ए सेंसेक्स, बी निफ्टी आईटी, सी निफ्टी 50, डी निफ्टी फॉर्मा। आंसर ए सेंसेक्स। एक्सप्लेनेशन, 4 जुलाई 2024 को भारत के बेंचमार्क सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 अंक के ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। सेंसेक्स, जिसे S&P/BSE सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है, भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है।